of Jab Harry Met Sejal. But next up, a quick Q&A round. Sir, please, ma'am. Can we have the chair, please? Dear friends of the media, please ask questions related to the movie. So you can ask Harry the questions. He'll be responding from LA behind us. And there is Sejal Ben and there's me. Hi, Anushka. Hi, Yaz, and hi, everyone. And thank you, everyone, for being here. Khan Saab, this is Alok here. Agar aap sun pa rahe honge. Awaaz aa rahi hai? मुझे आ रही है, आपको आ रही मेरी आवाज? आ रही है खान साहब. सवाल ये है कि मिनी ट्रेल्स के बाद इतना ताबड़तोड़ ट्रेलर आपको वहां से कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा रुक रुक के आ रहा है यार, एक एक बीट. लेकिन मुझे ट्रेलर से भी ज्यादा आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो वहां पे जो आए हुए हो स्टेजल के एंगेजमेंट पे. और मिठाई खाकर जरूर जाना. आई थिंक द आइडिया वॉज कि मैंने पहले बोला था कि चाहते थे कि हैरी और सेजल को हम पहले इंट्रोड्यूस करें और फिर उसकी जो कहानी है उसके बारे में बताएं. तो अब इतने दिनों से लोग कह रहे हैं ट्रेलर है, चलो ट्रेलर भी आ गया, पिक्चर देखने आ जाना सब. इम्तियाज सर, आपसे भी सवाल है कि मिनी ट्रेल्स आए, छोटे छोटे विजुअल्स आए, कितना मुश्किल था ये ट्रेलर काटना? क्योंकि सभी को इंतजार था कि अब क्या डिफरेंट देने वाले हैं इम्तियाज. मुश्किल तो नहीं था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर कहने के लिए. मगर ये डिसीशन कि हम पहले मिनी ट्रेल्स दिखाएंगे, ये एक्चुअली शाहरुख सर का डिसीशन था, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा था. और फिर बाद में जब थोड़ी जिज्ञासा हुई, जब लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो फिर हम पूरा ट्रेलर हमने लाया है. तो मुश्किल नहीं था, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था. अनुष्का, हाय. Am I looking handsome? Too good. Okay, thank you. तो सुबह सुबह है तो मैं अभी नहा के आया हूँ. हाँ, of course, हाँ, ज़रूर. You're looking freshly bathed. You're looking like आप definitely नहा के आए हो. Thank you. Hello sir, Deepak Kalra, Book My Show से. Hello. Can you see me? हाँ, तो मेरा सवाल ये सर, ये मिनी ट्रेल फिर ट्रेलर, ये क्या नया कुछ सीन सेट हो रहा है? मतलब सीन सेट हो रहा है प्रमोशन का, मिनी ट्रेल्स फिर ट्रेलर. मुझसे पूछ रहा है, इम्तियाज से पूछ रहा है? सर आप दोनों से पूछ रहा हूँ, आप बोलिए. जवाब देता हूँ. हाँ सर. हाँ तो यार क्या है, पहले हमारे जो कैरेक्टर्स थे हैरी और सेजल और दीपक, हम उनको दिखाना चाहते थे मोर देन एक्सप्लेनिंग द स्टोरी. और ट्रेलर जो होता है अमूमन कहानी के बारे में भी होता है सिवाय कैरेक्टर. तो वो हम चाह रहे थे कि बाद में आए, क्योंकि हमारी फिल्म में दो चीजें बहुत अच्छी हैं. एक वो जो कैरेक्टर है हैरी और सेजल का, जो इम्तियाज ने लिखा, तो उसकी इंट्रोडक्शन जरूरी थी, लाजमी थी, ताकि लोग तो पिक्चर देखने आए उनको लगे हैरी और सेजल को जानते हैं. और इसके अलावा हमारा म्यूजिक जो है बहुत खूबसूरत है, जो प्रीतम दा ने दिया है इशाद कामिल साहब के साथ. सो वो हम चाह रहे थे कि उससे ज्यादा लोग पहले परिचित हो जाएं. और जो कहानी है लव स्टोरी है, सो अमूमन लव स्टोरी में जैसा होता है उसके लिए कोई नया रूप देना उसको, हालांकि कहानी में अपनी एक न्यूनेस जरूर. तो वी वांटेड टू ब्रिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, कि 10-12 दिन पहले ही पिक्चर की रिलीज पे हम खेले. मुझे बड़ा अच्छा लगा था ट्रेलर का, लेश हो गया. मुझे बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे बहुत मजा आया. मैं भी चीप हो गया हूँ आजकल. चीप तू चीप ही रहेगा लगता ही है तू. आजकल इज क्वेश्चनेबल मे बी. So Anushka, how was your overall, did you enjoy being playing a Gujarati character in the film? So tell us something about that too, please. Yeah, I did. I mean, I think if you're working with a director like Imtiaz on a character that, you know, you've not attempted before, or a accent, or, you know, just basically however Sejal is, if you haven't done something like that before, then it gets very exciting and you feel actually kind of thrilled and confident ki ye, matlab, if you follow his directions properly, then it will come out good, because he has a lot of conviction as a director about his characters. And then you know, my level of comfort that I share with Shah Rukh as a co-actor is something that gives me a lot of
that sense of calm, you know, to be able to attempt something like this. Because I was a little skeptical in the beginning, like I used to keep telling him also, but I mean, if I'll be able to pull it off or not. Yeah, but then now I'm happy that people are liking it and, you know, they're liking Sejal and it's, yeah, it's, credit goes to Imtiaz Ali. Imtiaz sir, aapke left. Yes, yes sir. Amit from Dainik Jagran. Hi Amit. Yeah. Imtiaz sir, Shah Rukh sir ne aapko aaj ki tarikh ka Yash Chopra kaha hai. आपका जो रोमांस होता है वो रोमांस किन चीज़ों की खोज होती है एक्चुअली, या आप क्या ढूंढ रहे होते हैं या क्या कुछ कहना चाह रहे होते हैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए? कुछ तो है जो मिला नहीं, जिसकी तलाश रहती है, वो क्या है ये नहीं पता होता. ये फिल्म के डायलॉग्स हैं जो आप इस फिल्म में देखेंगे. I was like, wow, he's being so deep with his answers suddenly. So, but it's the truth also. आपको actually दरअसल पूरी तरह से नहीं पता होता, और कभी intention ये नहीं होता है कि आप romance की film बनाएं. जो कहानी आपके दिल में आती है आप वही कहानी बनाते हो. तो ये कहानी थी और वो आ गई है. ये कहानी कैसे आई थी जहन में, मतलब कोई, मतलब क्या कुछ कौन था? Actually मैं सच ही बता देता हूँ सर. तो एक बार मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें जगह जगह अलग अलग अच्छी जगहों पे जा करके शूट करना पड़े तुमको, और तुमको विजिट करने के लिए मैं भी आऊँ और वो सारी जगह देख लूँ एक ही फिल्म में. तो मैंने बोला ये तो बहुत सिंपल है, टूर गाइड पे फिल्म बना देता हूँ. तो उन्होंने कहा ये क्या कहानी हुई कि टूर गाइड है, और भी तो कुछ होना चाहिए. मैंने बोला नहीं, लड़की होगी फिर ये सब. तो ये ऐसे स्टार्ट हुई थी. फिर बहुत दिन के बाद मैं शाहरुख सर से मिलता रहता था बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि कोई कहानी है तुम्हारे पास? तो मैंने एक कहानी सुनाई. फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई और है? तो मैंने बोला एक बहुत ही चीप कहानी है. वो आप सुनना पसंद करोगे? तो उनका इंटरेस्ट जाग गया. उन्होंने कहा हाँ ये सुनाओ. ऐसे कोई कहानी नहीं है, ऐसी वाली है, बहुत सिंपल है, ऐसे वैसे करके. वो एक्चुअली मैंने ज़्यादा पूरी सोची भी नहीं थी, मैंने उनको सुना दी. तो उन्होंने बोला ये तो ठीक है, ये बनाते हैं. सो दैट्स हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. एक्चुअली मैंने इम्तियाज को बोला कि अब तुम माँ के आशीर्वाद वाली फिल्म ही बनाओ, दूसरी तो चल नहीं रही भाई हमारी. ये वाली माँ के आशीर्वाद वाली है. इम्तियाज सर आप खुद झारखंड से हैं और ये दोनों कैरेक्टर गुजरात से हैं, लेकिन आपकी फिल्मों में ओनली सीजल इज फ्रॉम गुजरात, हियर इज फ्रॉम पंजाब. पंजाब. तो आपकी फिल्मों में जो हम लोग देखते रहे पैटर्न कि किसी न किसी तरीके से पंजाब आ जाता है या उनके गांव आते हैं. झारखंड के या बिहार के गांव क्यों नहीं आते हैं आपके मतलब कहानियों में? देखिए ये भाई भतीजावाद में नहीं करना चाहता हूँ. तो जहाँ भी इंटरेस्ट होता है, जहाँ कहानी जहाँ ले जाती है आप वहाँ जाते हो. जहाँ के कैरेक्टर्स हो जाते हैं वो आपको बाद में पता चलता है कि ये वहाँ के हो गए. मुझे खुद नहीं पता कि इतने, जैसे हरिंदर सिंह नेहरा का रोल कर रहे हैं शाहरुख खान इस फिल्म में, और वो भी पंजाब का कैरेक्टर है. अब वो क्यों हो जाता है पंजाब का ये मुझे नहीं पता. वो गीत ड्रिलन क्यों हो गई पंजाब की ये मुझे नहीं पता. मगर गुजरात की हैं सेजल बहन, बॉम्बे की जो गुजराती कम्युनिटी है उसकी हैं. एंड ऐसे लोगों से मेरी बहुत दोस्ती रही है, बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको, बहुत फैसिनेटेड भी हैं. सो मुझे बहुत अच्छा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि देर इज़ अ गुजराती कैरेक्टर फ्रॉम बॉम्बे इन दिस फिल्म. अनुष्का इसमें जो लाइनर है कि जिसकी खोज में आप हैं वो भी आपकी तलाश करता है, इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं असल ज़िंदगी में? मतलब बहुत ही ज़्यादा. जब मैं अभी थोड़ी मैं फिलोसॉफिकल हो जाऊँगी, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था दैट व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स, यू नो. सो आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दैट. और ये रूमी की क्या बने कहावत है. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रूमी, हैव ऑलवेज बिन. एंड आई मस्ट टेल यू दैट द वे आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हिम वॉज एक्चुअली थ्रू योर फिल्म्स. There I started reading up on him, क्योंकि मुझे मेरे को जिज्ञासा है फिलोसफी में. एंड आई टोटली बिलीव इन दैट. आई फील जो इनफैक्ट आप जो सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वही आपको मिलता है, वही रिफ्लेक्ट करता है. होता है ना कभी कभी जो मूड खराब होता है, ट्रैफिक
ज़्यादा इरिटेट करने लग जाता है, लोग ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लग जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से कूड़े हुए रहते हो. तो आई तो कूड़े हुए सच अ ग्रेट वर्ड ना. सो आई टोटली टोटली बिलीव इन दिस, एंड आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ इम्तियाज फिल्म, यू नो दे हैव दैट. एक आज ये बहुत तारीफ करी है मेरी. नहीं सर, आपको मतलब ये मैं तो मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला हूं. दोगे? नहीं दूंगा. एज लॉन्ग एज शाहरुख गिव्स इट्स फाइन. As a producer of this film. But yeah, so I do believe that inki kahaniyon mein jo hai ki ye hoti hai ki philosophy hoti hai jiske upar ek puri kahani bani hoti hai. Life bhi waisi hoti hai, and I think that's why you connect to it so much more, and that's why I've been such an ardent fan of his movies. Shahrukh sir, what do you have to say about this new philosophical side of Anushka Sharma? सर ये इतनी डीप है मुझे पता नहीं था सर. मुझे तो लगा आती हैं अपनी लाइन रन करती हैं, बोलती हैं, काम चलाओ सी एक्ट्रेस है. लेकिन अब इतनी इन डेप्थ बातें करने लगी हैं तो कुछ ना कुछ असर आपका हुआ होगा सर या मेरा हुआ होगा. Alok is very deep. Like he's a deep philosophical person. So it's coming out talking to him. But by the way, I must tell you all this. Man has convinced me that he's Mohit Chauhan for a very long time, and he's spoken to me for 2 minutes, posing to me because I thought he's Mohit Chauhan. So I started talking to him as like, you know, rock star ka music. मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपने कितना अच्छा गाया and all. And he's also listening to me for 2 minutes. And बाद में बोलता है मैं Mohit Chauhan नहीं हूँ. I said तो पहले क्यों नहीं बोला यार? आपका फिल्म का कनेक्शन वापस. यही यही फिलोसॉफिकल बात है अनुष्का की. देखो आरजे आलोक को मोहित चौहान बना दिया. तो ऐसी हरकतों से ही. बट आई हैव नोटिस अनुष्का, तुम जब से मैं से बार बार फिल्म में कर रही हो ना, तुम डीपर पर्सन और मोर इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती जा रही हो. फॉर श्योर. ओके अनुष्का, हियर ऑन योर लेफ्ट. सो यू नो शाहरुख सर सेड दैट देयर हैव बीन स्क्रिप्ट्स व्हिच इम्तियाज अली वेंट टू हिम, नॉट ऑफर्ड हिम, बट देन ही रेड हिज स्क्रिप्ट्स टू हिम. Has there, and he chose this because this is his happiest film till date. Has there ever been an offer from Imtiaz which you didn't do because it wasn't as happy? And why did you choose to do Jab Harry Met Sejal? मैंने कुछ नहीं मालूम है. Ambush. सब मालूम है. What kind of an ambush is this, boys? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. That is never happened. The first film he offered me, I said yes to it, which was Jab Harry Met Sejal. Imtiaz sir. Why are they saying you're lying? What is this? You are philosophical and a liar. But what is it about Jab Harry Met Sejal which, you know, drew you instantly to the script? Yeah, I mean, it really has to be something that you can connect with. Nah? I mean, I have wanted to work with Imtiaz for the longest time. In fact, I mean, if at all I ever had the thought that maybe acting karna chahiye was in a rickety old theater in Bikaner where I was watching Jab We Met with my parents. जहाँ पे वो जैसे बीच में aisles है ना, वहाँ पे वो chair लगा दिया करते थे plastic की जब ज़्यादा लोग बढ़ जाते थे. And used to sit over there and watch the film. So I was watching Jab We Met there and I saw this film and you I was like, wow, restart. This is amazing. This is something that no, not yet. Huh? What is that? Suddenly saw myself. This is something that you know I would like not to. Not yet. Who's this saying not yet, not yet? Oh. That I would like to be part of movies when I saw the character of Geet. So I think maybe it was because of the portrayal of that character and the depth that you know it. That you could see. Ye kaun hai insaan beech beech mein jo bol raha hai? Is this my inner voice that's like suddenly loud we are and coming out since my philosophical side has come out today on this? We are doing conference. Promotions of beech beech mein. Beech mein koi baat kar raha hai. Beech beech mein baat kar raha hai isliye. Yeah. So I think it is something that I've always wanted to do with him. Imtiaz, a film that I've always wanted to do with him. But this just seemed like the film with which I would really enjoy, have a great time collaborating with him. And so this is the one. In any case, since I'm so philosophical, जो होना होता है सो होता है. जिसको जो picture करनी होती है वो उसकी तकदीर में होती है. और ये picture मेरी तकदीर में थी तो मैंने करी. और हमारा इस picture में साथ काम करना निश्चय था तो हुआ है. बस सब ऊपर वाले की कृपा है. वो ही है, उसी की उसकी उसके हाथों में हम सबकी डोर है. हम तो बस चल रहे हैं जहाँ वो हमको लेके जा रहा है. हम तो सब कठपुतलियाँ हैं, बस उसकी उसकी लीला की. इम्तियाज सर, आपके सामने आपसे मेरा सवाल है कि आपकी फिल्मों में सफ़र भी एक इम्पॉर्टेंट
इंग्लिश वाला या हिंदी वाला? नहीं, हिंदी वाला. तो इसकी कोई खास वजह है? और फिल्मों, जैसे आपने कहा कि आप फिल्मों को लेकर के कंफ्यूज रहते, मतलब कहानियों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका अंत कैसे तय करते हैं फिर? नहीं, होपफुली कहानियों को लेकर कंफ्यूज नहीं रहता हूँ. मगर हाँ, सफ़र बहुत होता है मेरी फिल्मों में. वो इसलिए क्योंकि बचपन से जब मैं सफ़र कर रहा होता था तो बहुत सारी कहानियाँ आती थीं, और सफ़र के वक्त पे आई हुई कहानी में खुद भी सफ़र होता है. सो एक वो एक विशेष साइकिल जिसको कहते हैं ना, वो हो जाता है. तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली सफ़र करना भी बहुत अच्छा लगता है हिंदी में. तो तो वो मैं जब करता हूँ तो और कहानियाँ आती हैं, तो ऐसे चलता रहता है. अनुष्का, आपसे सवाल है कि जब पहली बार आप शाहरुख से मिली थी, तो फर्स्ट आपका जब मतलब अनुष्का मेट शाहरुख, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था? ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी और मैं उनको अपनी शूटिंग, जो मेरी पिक्चर की जो शूटिंग थी उसके पहले दिन पे मैं उनको मिली थी और सेट पे ही मिली थी. सो आई नेवर मेट हिम बिफोर एंड ऑब्वियसली आई न्यू हिम एज द सुपरस्टार शाहरुख खान, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी यू नो डूइंग अ फिल्म विद हिम, एंड अ रोमांटिक फिल्म एट दैट. सो आई वॉज वेरी नर्वस, ऑब्वियसली आई वॉज नर्वस, एंड मेरी पहली फिल्म थी और बहुत कुछ यूनो चल रहा था दिमाग में. एंड आई मेट हिम एंड एक्चुअली ही वॉज जस्ट वेरी वेरी नाइस एंड ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर यू नो डूइंग द फिल्म. एंड उसके बाद ही वॉज जस्ट रियली चिल्ड आउट एंड आई फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस. ही वॉज नॉट इंटिमिडेटिंग, विच आई थिंक आई रियलाइज मच लेटर वॉट अ ह्यूज सपोर्ट ही हैड बीन यू नो इन माई फर्स्ट फिल्म. Because he really did make everything very easy for me as a newcomer without making it obvious. You know, jataye bina he was you know making things easy for me, and I thought that was very very nice of him. Until date, whenever I've worked with the actors who are perhaps you know doing their first film or and even in an ad, when you work with somebody, I always want to pay back and you know be as helpful as I possibly can because of the way Shahrukh was to me. You know, so I feel like I find the need to do that because I know what a huge help it was for me. And yeah, so it's always beautiful and I'm always grateful whenever I'm working with him. And yeah, I mean, Imtiaz, you know, would also tell you that even now, like even if his, you know, he's had this knee issue and injury and it'll be hurting. And if Imtiaz will say something, sir, main ye soch raha tha, he'll just suddenly spring up and be like, haan, hum aise karte, aise karte. I think even I can't think of showing that kind of, you know, that kind of enthusiasm the way he continues to do. So you have to respect somebody at that level, at that stature, to have that kind of commitment for every day, you know, on shoot. It's commendable. Hi, Anushka. Anushka, to your right. If you can stand, it'll be very easy for all of us. Yes, okay. Thank you. Thank you, ma'am. Priyanka here. Hi. Anushka, before Imtiaz, you work with, you know, Yash Chopra and Aditya Chopra in two different romantic films. And both of them have different ideas of romance. How was it to work under Imtiaz's setup of romance with Shahrukh? How different was it? I mean, you know, yes, I have had the good fortune of working with Yashji and having done a film with him and Adi, you know, with Shahrukh itself. So I'm very grateful for that opportunity. I think for me, what makes Imtiaz so special and his love stories and his characters so memorable is that, you know, when you watch his films, you feel ki you're watching his movies and then you see moments in the film or you see how certain things are panning out and you feel like, yaar, aisa hota hai. You know, in love, these things happen, but ye kabhi humne filmon mein dekha nahi hota hai. But we see it fresh, new, something which is very relevant, which happens in a relationship, but we don't see that on screen and we see that in Imtiaz's film. तो जो वो बारीकी से वो समझते हैं ना लव को, दिस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, आई थिंक विच इज समथिंग दैट इज अनपैरेलल, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड यू कैन रिलेट टू इट व्हेन यू वॉच फिल्म्स, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू फील सो, मतलब दिल से यू फील फॉर हिज कहानी, दैट इज आई डू. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल. हाय अनुष्का. हेलो. हाय अनुष्का, आपके सामने we will not be able to. Anushka, aapke saamne. Literally 20 rupees. I'm not exaggerating. That also for auto, because you know, because you. I'll give you an. I'll write a check. Thanks. I'll write a check. Haan, okay. Thank you, sir. Hi, Anushka. Blank dena. Anushka, aapke saamne.
अनुष्का, क्या कोई बॉलीवुड का ऐसा एक्टर है जिसकी हरकतें देख के आपको लगा हो कि कितनी चीप हरकतें हैं, जिनके साथ आपने काम किया हो या आपने मन में सोचा हो इन अ फनी वे? मेरे ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं बॉलीवुड के, कई सारे एक्टर्स मुझे बहुत चीप लगते हैं। तो सर आप नाम बताना चाहेंगे? जरूर, सबका नाम बताऊं? SMS करूं आपको बाद में? आप नंबर दे दो मुझे अपना। अनुष्का, आपका आंसर? नहीं यार, आई वाज जस्ट जोकिंग बिकॉज वी कांट टेक दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली। यू डोंट Hi, Imtiaz, to your right. Hi, hi. So, during Tamasha, you had said you don't know what love is, and people are now talking about your style of romance and love. So, isn't it kind of ironical that most of your films have a very deeper sense of love, but you say that you don't know what love is? Anushka's ke saath, why Shahrukh smiling? Let's ask him that. Sir, any particular reason for your smile? Because I finally joined back, मैं काफी देर से कट ऑफ था, तो मुझे पता नहीं कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, so I came back with a smile. So we were talking about various things, about who is cheap in this industry, any hero who is cheap, Anushka was asked. No, she didn't take your name. She didn't take your name. Achha, I don't think he can hear us properly. Sir, can you hear us? No, I can't hear it. It's gone. Okay, disconnect. Hi, Anushka. Hi, you were talking about... I was asking about you, your style of romance, and you say you don't know what love is. Aapne Kaifi Azmi ka naam suna hai? Yes. Unhone ek likha tha bahut pehle, कि जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते। तो अनुष्का के साथ रह के मैं भी थोड़ा फिलोसॉफिकल और पोइटिक होता जा रहा हूँ, बट मुझे अब भी मेरा जवाब वही होगा कि मुझे एक्चुअली नहीं पता है, ना मैं ढूंढ रहा हूँ, बट यू डोंट नो व्हाई यू डू द थिंग्स दैट यू डू। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द टाइटल ऑफ द फिल्म। Many people have not liked the title of the film and blame Ranbir Kapoor. Haan, maine wo we are going to start a website so that people can just blame Ranbir Kapoor for this. We will shortly publish that website ka address and everybody can just come and put their complaints about the title if it all. He thinks he's very smart. He's not on social media, so no one can criticize him. We'll make a site for him, and you can complain. Okay. Hi Anushka. Hi Anushka. So your Gujarati accent is pretty amazing and bang on. Thank you. So how did you prepare for it? What were your reference points? Actually, I had a diction coach to teach me how to speak. So Imtiaz sir had introduced me to a diction coach, Dimple, who so basically phonetically how it would sound, you just write it exactly like that. And then you learn the lines in that fashion. And after some time of, and Imtiaz, we would sit and go through the scenes, working on the accent. Even Imtiaz's understanding of this diction is actually strangely good. I don't know how, but yeah, it is. And then we would just practice that. Ek baar wo zehen mein aa jata hai, so then when you normally also you're talking, you're able to bring that in. So it was just some effort on my and Dimple and Sir's behalf. Hi Anushka. Recently, Shahrukh said in an interview that while you were shooting Rab Nibanadi Jodi, you paid him a compliment. You said that, he's a very good human being, but you never said he's a very good actor. So now have you paid him that compliment finally? Matlab 9 saal ho gaye is baat. Koi abhi tak hum log kyun discuss kar rahe hain? Like 9 years it's been. But I want to know. Yeah, of course you would want to know. See, what I told him was, what I meant, since I'm so philosophical, what I meant was that being a good actor, being good at your job and all is like something that, you have, it's a given, na? I mean, he's Shah Rukh Khan. You can't say, who am I to comment on him and how he is as an actor, but I did tell him that the way he was with me throughout the film and how he made me feel so important and not, I didn't feel intimidated by him at all. And I did understand
of course, at that moment, I was in the time that I was shooting for the film, I was extremely grateful for it. But even, you know, in the years that have gone by, I've come to appreciate that more and more, like I told you earlier. And that is what I meant by he's a good person. Because I think above all, I mean, of course, we all have to be very good at what we do, but it's also very important to be a good person above everything else. And that's my belief, a very strong belief. And I think that's what I complimented him for, because for me, that is most important as a person. Hi, Anushka. Sonika here. Actually, I want to ask you, ye movie jo hai Harry aur Sejal ki mulaqat ke upar sorry. Are you also Guju? No. The Guju fever is catching on. No. So Harry and Sejal ki mulaqat ke upar hai. So Anushka ki life mein koi aisi mulaqat jo you remember still? Like Anushka met someone like aisi koi mulaqat ke upar hai. Matlab bada original sa question hai aapka. Waise to manna padega. Matlab it just came out of nowhere and so original. Of course, when I met Imtiaz. It was a great moment when I met Imtiaz and I felt so good when Alok impersonated Mohit Chauhan. Such amazing meetings we keep having with people all around. Yeah, I've had many moments. Imtiaz, when I met Imtiaz. He was just there. Yeah, it was actually... Yeah, so when I met, you know, such meetings wo aapke dimaag mein rehte hai, bol nahi paate, aap zehen nahi kar sakte, jaise unhone abhi bola na. She was like mute. I was like, Imtiaz, just shocked, you know, yeah. Hi, Imtiaz, sir. Hi. Okay, hi. All right, so the film is already being appreciated, all the mini trails, song, people are loving the film already. The film has had wonderful response. So apart from all the excitement, do you feel that there's perhaps a little amount of pressure to meet the audience expectations? Are you asking me? Yes, sir. Actually, luckily for me, I'm a director, and a director always has work to do. So there's editing going on. As opposed to what an actor is doing? Where is my co-actor? He's not there. Yeah, as opposed to actors who start becoming ghosts in other films. But since there is always work to be done, there's no time to be nervous, really. You're editing, you're doing sound, lots of things, technical things, which people don't know about has to be done. So there's no time to really get pressured, or you just have to do as well as you can. And what about you, Anushka, for the same thing? What about you? I think expectations logo ki hoti hain aur hamari bhi khud se hoti hain. But I think there's no need to get caught up in that. You can only do what you have to do well. And I think for me, I expect the most out of myself when I actually can do something about it, which is when I have to choose a script, I have to prep for a role, I have to perform, I have to execute that preparation and, you know, shooting ke samay pe, utna mere haath mein hota hai. Other than that, you know, you can't kind of really get too caught up or worked up about things because it's not under your control. So that's the, you know, feeling that I have, and I think we've all worked really hard on this film, and I'm very happy with the film. So now you just like leave it out there and, you know, wait for people to you know, react to it and think, you know, and come up with things they like about the film. He is currently disconnected. We're trying to reconnect. तो इम्तियाज आपसे he'll be back soon आलोक so तो आपसे जानना चाहूँगा ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी गानों को लॉन्च करने की या अहमदाबाद जाना या फिर गाइड वाला तो ये किसने ये सब कुछ शुरुआत की थी और कैसे ये क्या कोई फनी सवाल आपने किया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बहुत लोग हंसे इस पर अच्छा मनोज ने खुद को स्क्रीन में देखा खुद पे जब अच्छा 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 तो स्ट्रेटजी के बारे में जरा बताएंगे हाँ स्ट्रेटजी के बारे में क्या पूछा बहुत स्पेसिफिकली गानों को रिलीज जैसे किया गया अलग अलग शहरों में या बहुत किसका आइडिया था किसका आइडिया से मुलाकात हुई गुजरात में जी 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 सो ये मिली भगत है यहाँ पे मार्केटिंग टीम के बहुत सारे लोग हैं रेड चिलीज मार्केटिंग टीम के और फिर जो भी टीम में है वो लोग भी इन्वॉल्व हैं आइडियाज कहीं से भी किसी भी तरफ से आ सकते हैं बट अक्सर शाहरुख सर खुद आइडियाज़ लाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक होते हैं और किस तरह से कोई इवेंट है जैसे ये इवेंट भी है तो उसके बीच पीछे द कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज ऑफन हिज समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सम जैसे कि वो
गुजरात में सेजल से मिलने का आइडिया मेरे ख्याल से प्रभात का था, जो हाँ स्पाइस प्रभात। ये आइडिया कि इस तरह से इंगेजमेंट होगा, ये शाहरुख सर का आइडिया था आज के दिन के लिए। इम्तियाज सर, हाय अस्ता। ओके सो सर, योर कैरेक्टर्स इन योर फिल्म आर जनरली वेरी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिटेल्ड। So when you direct someone like Shahrukh Khan, who has an immense fan following and people already have a certain set of expectation, how different was it to characterize his role, and was it a pressure that you have to meet a certain expectations of his fan following? Because of Shahrukh himself, there was no pressure like that. Working with him was like working with any actor, and of course, sometimes during the shoot when there was too much crowd trying to break in to see Shahrukh Khan and all that, you realize that he's a very big star. But otherwise, the way he carries himself, the way he participates and the way he is, you don't get the feeling while working with him that he's a very big star. Can you hear us? You can, no? Yeah, so the question, I'm doing a question on the phone or my phone. Kuch ho raha hai, huh? Okay. Philosophical. Ara, can we hear him? Anyway, so I'll continue with your answer. It was very easy also because he's a theater actor, and more so because I'm from theater and we both are in a way from Delhi theater. It was very easy to communicate, and I was very happily surprised. Can you hear me? We can hear you, sir. We can't see you yet. Can you hear us, Shahrukh sir? Please bear with us, we are trying to get him in. I don't sound so. Acha, anyway, just finishing off. So it was very easy to work with him. I was very happily surprised to know that he's a very basic theater actor for whom script is important, co-actor is important. I think Shahrukh Khan is the single most giving actor that I've ever worked with, actually. He's very giving towards his co-actors and towards everybody in the process. Okay, mera sawal Imtiaz sir, mera sawal aap se hai. Agar main Shahrukh ki baat karun, okay. खड़ा हूँगा पीछे कैमरे में आ जाऊँगा, मेरे को प्रॉब्लम होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इमदा सर, मेरा सवाल आपसे है कि यू नो शाहरुख की अगर हम बात करते हैं, वीर ज़ारा और रमने बनादी जोड़ी, कहीं पंजाबी किरदार उन्होंने निभाए, और अगर मैं हैरी की बात करूँ, यू नो इस किरदार की बात करूँ, तो क्या खास आपने अलग रखा है कि वो चीज़ नज़र ना आए, या उनका लहजा हो या उनका किरदार हो, क्या क्या ऐसा यू नो वॉट इज़ द ब्रीफ टू द शाहरुख एंड वॉट यू हैव कैप्ट इन माइंड वाइल वर्किंग ऑन दैट कैरेक्टर? I think when I was working on this character, I was not briefing him in reference to all the other work that he's done. I was not going there at all. I was just talking to him about this character. Iski khas baat kuch hai ki ye bahar videsh mein rehte hain aur uski wajah se unka talaffuz, unka haav bhav alag hai. So I was just talking to him about Harry and Harinder Singh Nehra and uska kya bachpan mein hua hoga, etc., to create backstories, and that helped. I never referred to the other characters that he's played. We have seen your films Cocktail to Jab We Met, you know, jitni bhi filmein aapne ki hain, ek alag tarah ki filmein karte aaye hain, khaas karke love stories ko rakhe hain, chahe wo tamasha ho, chahe wo highway ho. Kya Imtiaz aap mante hain ye pehli aapki, I hope you take it on a positive note, क्योंकि मैं उसी नोट पे कहना चाह रहा हूँ आपको, दिस इज योर वेरी फर्स्ट कमर्शियल मसाला हिंदी फिल्म? ये तो पता चलेगा बाद में ना सर। डू यू एग्री विद दिस? आई नो, आई हैव नॉट रिटन इट लाइक दैट, यू नो, लाइक आई हैव मेड जब वी मेट बिफोर और सोचा ना था और तमाशा, फॉर मी ऑल ऑफ देम आर द सेम, दे ऑब्वियसली बिकम वेरी डिफरेंट अल्टीमेटली फॉर द ऑडियंस, सो या, बट दिस फिल्म इज नॉट इन द सेम वे एज let's say tamasha, it's different from that. Yeah, hi Imtiaz. Hi Imtiaz and Anushka, Shivangi this side from Aaj Tak. Here so abhi jaisa aapne bataya ki aap Jharkhand se hain, lekin aapka jo safar hai wo kahin na kahin Punjab ya desh ke jitne bhi alag alag shehar hai wahan par jaakar khatam hota hai,
भाई भतीजेवाद की बात की है आपने, क्या आप दोनों से, मेरा सवाल है, आप दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के लिए, नेपोटिज्म जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में है, या फिर आप लोगों ने इसको कभी ना कभी फेस किया है, क्या आप लोगों को लगता है, आप दोनों के ओपिनियन क्या है इस पर? ये कि हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पर हैं, हम तीनों बाहर से हैं जी। तो अगर हमारे खिलाफ कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म हुआ होता तो फिर हम होते ही नहीं ना। मैं अपने बारे में ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फिल्म इंडस्ट्री एट दैट टाइम दैट दे लिसन टू मी, इट्स परहैप्स द ओनली प्लेस दैट आई ट्रूली बिलोंग। सो आई डोंट सी इट, आई डोंट नो अबाउट अनुष्का। अनुष्का आपसे भी जानना चाहेंगे। Like what he said, if we are here today, it's because I mean we are here today and we've reached where we are within the same, being within the same industry. I have personally, I would say, been launched by a banner like Yash Raj Films, who have always, I mean, you know, and with me, with Ranveer Singh, they've always put talent before anything else. You know, I mean, I don't even think this was something that I even thought of, quite honestly speaking, when I entered the industry. But at the same time, I think sabke experiences alag hote hain, and we all have to respect and value that. Yeah, that's it. I mean, same industry mein different people can be treated differently, that has to be respected and valued. But kya aapko lagta hai ki jo outsider? Sorry, ma'am. One last question. Hi, Anushka. Let me finish this. Ye question bahut zaruri hai, important hai, kyunki aap log baat hai. क्या एक आउटसाइडर जो होता है वो फिल्म यहाँ पर आने के बाद इतनी मेहनत करके, जैसे आप लोग हैं आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो बुली करते हैं, इज दैट राइट? लाइक आप लोगों से जाना चाहिए। यू आर सेइंग, यू आर आस्किंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आईपा के मंच पे हाँ जो हुआ। लिसन, मैं सुन लिया आपकी बात। आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका अजम्पशन है ना मैम। आई एम जनरली आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू, मैं नहीं कह रही हूं कि ये ऐसा होता है जी। ऐसा होता, अगर ऐसा, अगर ऐसा होता तो सही होता या गलत होता? तो ऑब्वियसली गलत होता, राइट? ये तो कोई नहीं बोलेगा। हां ठीक है, ओके। सॉरी गाइस 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 गाइस, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स कीप इट। ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स कीप इट पॉजिटिव फ्लफी एंड स्प्रिंकल इट विद रेनबोज। वन पॉजिटिव क्वेश्चन एंड वी आर रैपिंग इट अप। Hi Anushka, now that we're at Sejal's engagement, when will we come to know who your fiance is in the movie? Actually, film thriller hai. that is what the suspense of the film is going to be. So for that, you'll have to watch the film to find out who my fiance is. Anushka, in the film you're okay, guys. One question, Anushka, question for the you, film, sir. Anushka. Imtiaz, sir, your movie Anushka, got UA certificate from the censor board. I'm really sorry, ma'am. Did I say something nasty to you? I'm really sorry. Imtiaz, sir. I'm really sorry. We have got a UA certificate, as you were saying, in the film. And they did not ask for any of such deletion from the film. There were some audio changes. There was no visual cut. There was no video cut. There were some audio, very minor things. So it's all okay, and we are very happy with the certification. In the film, you are desperately... Sir, can you hear us? Yeah, can I tell you on behalf of me, apologize to everyone. Sorry, this connection hamara kuch kharab ho gaya. एक सेकेंड सर, आई विल आस्क इफ समबडी वॉन्ट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड गेट द आंसर लाइक दिस। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क हिम समथिंग? लास्ट चांस। यस सर, वी आर आस्किंग somebody इज आस्किंग अ क्वेश्चन, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ओ ही इज बैक, ओ ग्रेट। ओके, मैंने उनको वो चेक दे दिया है। माइक इज ऑफ।
Obviously, guys, Gujarati was involved. We keep our dealings very, very clear. Anushka, in the movie, you are desperately hunting for your ring, but real life mein koi aisi cheez jo aapki kho gayi ho and you were like searching for it for a long time. Listen, I'm sorry to cut this. I feel like my mummy is asking me this question. The point is that while Shah Rukh sir is here, I think before he goes away, please ask questions that you want. Yeah, for both of them. For both of them. No, they don't need to ask here. You guys have fun. I can just listen in. Okay, I think we are going to wrap up, but before we wrap up, Shah Rukh sir is going to speak a few words to us. Okay. Shah Rukh sir, you're on mic. Yes. So we have connected three mics so that the whole of Mumbai city can hear your voice. Please go ahead. Yeah, I'm really sorry. Thoda sa hamara ye technical glitch ho gaya. So I really wanted to participate, but I've been listening to everything. Of course, you could not hear me out. I could hear it on various other channels. But thank you for being here. And ye sawal aapne puche, uska jawab hopefully Sejal aur Imtiaz ne achhi tarah de diya hoga. But as soon as I back, main fir aap logon se khate dunga. And I hope you enjoyed the trailer. And thank you very much, all of you, for being here. Okay, sir. We heard that. Manoj is saying solo photo de do. Main sabke liye alag alag post mein selfies karke bhej raha hu press ke liye aur ek hathi bhi selfie bhej raha hu. Okay, good. And that's a wrap. And before we say goodbye, Shah Rukh sir, we would like if you wave at us over here down in Mumbai. On, and that is a wrap. Thank you so much for joining us. I hope you guys have a great evening. Drive safe. Thank you so much. My name is RJ Syed. And it is a wrap.